मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में ले जाए और जहन्नम से दूर कर दे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हे माज, तुमने बहुत बड़ी चीज पूछ दी। अल्लाह जिस पर उसे आसान कर दे उसके लिए आसान है। सुनो, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, नमाज कायम करो, जकात दो, रमजानुल मुबारक का रोजा रखो और बैतुल्लाह का हज करो। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें अबवाब खैर न बता दूं? सुनो, रोजा ढाल है, सदका खदाओं को इस तरह बुझा देता है जैसे पानी आग को, और रात की तन्हाइयों में नमाज पढ़ना। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह आयत करीमा तिलावत फरमाई, तताजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। उनके पहलू ख्वाबगाहों से अलहदा होते हैं इस तौर पर कि वो लोग अपने रब को उम्मीद और खौफ से पुकारते हैं और हमारी दी हुई चीज़ों में से खर्च करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन का सिरा इस्लाम है, उसका सुतून नमाज है, उसके कोहान की बुलंदी जिहाद है। फिर इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ ना बता दूँ जिस पर इनका मदार है? माज ने जबल रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, ज़रूर ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान पकड़ ली और इरशाद फरमाया, इसको बंद रखो। माज इब्न जबल ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बिह, ए अल्लाह के नबी, के हम उस चीज़ की वजह से भी पकड़े जाएंगे जो हम बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हल यकुब्बुन नास बिन्नारि अला वुजूहिहिम अव अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, लोगों को मुंह के बल या नाक के बल जहन्नम में उनकी जबान की बातें ही गिराएंगी। इसलिए एक हदीस में इरशाद फरमाया गया है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि, पक्का मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अच्छी बात कहने का नतीजा हमेशा अच्छा होगा और हर बुरी बात कहने का बुरा। आदमी समझे या ना समझे, कलिमा खैर का अंजाम अच्छा है और कलिमा शर का बुरा। कभी कभी हम हंसने हंसाने के लिए झूठी और घड़ी हुई बात कह देते हैं, फर्जी लतीफे सुनाते हैं कि लोग हंसेंगे, मज़ा आएगा, कहकहे लगाएंगे। लेकिन याद रखिए, रसूल खुदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसे भी हलाकत और बर्बादी और जहन्नम का रास्ता बताया है। तिर्मिजी, अबू दाऊद और दारिमी में अहादीस नबविया मौजूद हैं। हमारी जबान बेलगाम रहती है, हम बेसोचे समझे बोलते रहते हैं, हमें ख्याल नहीं रहता कि इन पर हमारी पकड़ हो सकती है। जबकि सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ज़बान की लफ्ज़िश कदम की लफ्ज़िश से बढ़कर होती है। वइन्नहु लयज़िल्लु अन लिसानिही अशद्द मिम्मा यज़िल्लु अन क़दमिही बयक़ी, इंसान अपनी ज़बान की लफ्ज़िश से उससे ज़्यादा फिसलता है जितना कि अपने कदम की लफ्ज़िश से फिसलता है। ज़बान की लफ्ज़िश से नजात का रास्ता क्या है? ज़बान की लफ्ज़िश से नजात का रास्ता क्या है? हदीस में आया है कि चुप रहा करो, इसी में नजात है। मन सामता नजा, जिसने सुकूत इख्तियार किया उसने नजात पाई। ज़्यादा दोस्ती करना, महफिलें जमाना, मजलिस आबाद करना, बैठक बाजी, गप शप ज़बान की लफ्ज़िश में फंसाती है। उसके बजाय गम कम गोई, सुकूत व खामोशी, खलवत व तन्हाई हिफाजत ज़बान का ज़रिया है। सब जानते हैं जो ज़्यादा बोलेगा ओल फोल भी बगेगा, झूठ फसाद भी बोलेगा, जो बैठकबाजी करेगा, मजलिसें जमाएगा, वो गीबत व चुगलखोरी में भी मुब्तला होगा, लगाई बुझाई भी करेगा, ज़बान के ना जाने किन किन गुनाहों में मुब्तला होगा। हज़रात गिरामी, हमारा बोलना, हमारी बातचीत, हमारी गुफ्तगू अल्लाह मियाँ के यहाँ रिकॉर्ड की जाती है, अल्लाह मियाँ के यहाँ रिकॉर्ड की जा रही है, उन्हें फरिश्ते महफूज कर रहे हैं।
हमारी अच्छी या बुरी बात कल क़यामत के दिन हमारे सामने आ जाएगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इज़ यतलक़ल मुतलक़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमाली क़ईद मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जब दो अख़्ज़ करने वाले फरिश्ते अख़्ज़ करते हैं, करते रहते हैं, जो दाएं और बाएं तरफ बैठे रहते हैं, वो कोई लफ्ज़ मुंह से निकालने नहीं पाते, वो इंसान कोई लफ्ज़ मुंह से निकालने नहीं पाता, मगर उसके पास हमारा एक ले ताक लगाने वाला तैयार है। मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि बहुत ही कम गो, तन्हाई पसंद और ख़ामोश तबीयत के इंसान थे, उन्होंने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल मुझे वसीयत कीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुमको तक़वे की वसीयत करता हूँ, ये तुम्हारे सारे कामों को मुज़य्यन कर देगा। तिलावत कुरान मजीद और अल्लाह का जिक्र करो, इससे तुम्हारा जिक्र आसमान में होगा और ये चीज़ ज़मीन में तुम्हारे लिए नूर बनेगी। देर तक सुकूत और ख़ामोशी इख्तियार करके अल्लाह की नेमतों और उसकी कुदरत में गौर फिक्र करो, इससे शैतान तुमसे दूर भागेगा और तुम्हारे दीनी मामलात में मदद मिलेगी। और देखो बहुत ज़्यादा मत हंसा करो, क्योंकि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है और चेहरे का नूर चला जाता है। हक बात कहा करो अगरचे वो कड़वी हो, और अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की आलम मलामत को और अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत को मलामत की परवाह ना करो, और लोगों के अयूब की टोह में ना लगो। कीजिए हरगिज़ न सुनिए दूसरों का तज़किरा, सबसे बेहतर है यही बोहतान और गीबत का इलाज। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।